ब्रेकफास्ट की तैयारी इधर मैंने बना लिया है ऑमलेट और सैलेड वगैरह भी कट कर लिए मैंने। ये चाय बहुत दिनों बाद, मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी, अभी मैंने इसको बनाना है बॉयल। एक दो आया था, मैंने सोचा पहले ऑमलेट बना लेती हूँ, मुझे हेडेक है 2-3 दिन से, इसलिए मैंने अब चाय बनाई साथ सैलेड भी बना। राइस गर्मी इतनी ज़्यादा है ना तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अब बना रही हूँ ये। मैंने सोचा सालन क्या बनाऊँ अलग अलग, तो ये बना लेती हूँ साथ। बैंगन पड़े, बैंगन के वो थोड़े से पकोड़े हो जाएंगे, देखती हूँ बैंगन भी ठीक है कि नहीं, और इनके मैं बना रही हूँ अब दाल वाले चावल। और इतने टेस्टी बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बाकी आज की मसरूफियात यही है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एक रूम की क्लीनिंग की डीप, और हम इनको वॉश कर लूँ पहले फिर दूसरा काम कर। इधर मैं खा रही हूँ कैंडी, मुझसे बोला नहीं जा रहा चप। तो अनाया को और जोहान को मैं करवा रही हूँ आज सेम ड्रेसिंग, ये वाला ड्रेस पहनेगी अनाया और ये वाला पहनेगा जोहान। तो मैं आप लोगों को तैयार करके फिर दिखा। मैंने अनाया को और जोहान को सेम ड्रेसिंग कर दी। जोहान इधर देखो मेरी तरफ, अपना ड्रेस दिखाओ। जोहान को ये वाला ड्रेस पहनाया, और इतनी गर्मी में भी ये कह रहा था मैंने वेस्ट कोट ये पहननी है। और अनाया को मैंने ये वाला ड्रेस पहनाया है, और दोनों कुछ इस तरह से लग रहे हैं। करनी है इस वाले एरिए की क्लीनिंग, और इधर देखिए ऊपर नेस्ट भी बनाया हुआ चिड़िया ने। अब ये उतार तो मैं सकती नहीं हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं है इसने इसमें अंडे दिए होंगे, तो फिर उतारूंगी तो गुनाही मिलेगा, तो अभी से छोड़ते हैं। तो अब ये मैं मतलब करती हूँ काम स्टार्ट जल्दी से, बहुत ज़्यादा डस्ट हुआ पड़ा, इसकी मैं कर दूँ क्लीनिंग। उठा लेती हूँ कपड़े, जो मैंने कल कपड़े मैंने वॉश किए थे वो वाले उठा के मैं इनको रखती हूँ साइड पे सब, और कुछ हैं वॉश होने वाले, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। और आज मैंने कहा सुस्ती को करती हूँ बाय बाय और काम करती हूँ स्टार्ट, गर्मी तो ऐसे ही रहेगी पर क्लीनिंग भी तो करनी है। तो ये वॉश होने वाले कपड़े हैं कुछ, तो ये मैं डालती हूँ मशीन में। पर्दे सेटिंग इधर मैंने वो ही
जो बेड शीट थी लगा दी है, और इधर मैंने चारपाई का वो कवर था, जब तक इनके कवर नहीं आते ना तब तक इसका यही हाल होगा। तो इस तरह से इसकी कुछ रैंडम सी हो गई है सेटिंग। अभी तो मेरी मतलब विशेष बहुत है कि मैं अपने घर को ऐसा बनाऊँ, ऐसा पर बजट के लिहाज से इंशाल्लाह अपने घर को बनाऊँगी प्यारा, पर उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और बस खैर इधर क्या हो गया सेटिंग, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं अपनी चीज़ें रख के थोड़ा करती हूँ रेस्ट। कब मैं अनाया कब मैं अब ये अजय स्टाइल का ड्रेस स्टिच करने लगी हूँ। ये मतलब पहले बहुत ज़्यादा चला था, आई थिंक 2 साल पहले अजरक स्टाइल, तो इसकी मैंने इसके 2 सूट स्टिच कर लिए। अब ये अब करने लगी हूँ स्टिच, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को सब ड्रेस में एक साथ दिखाऊंगी। ये हमारा तंदूर है और इसमें बन रही है मिस्सी रोटी, और रोटी मम्मा और भाभी बनाने वाली है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी वो किस तरह से बन। ये बन रहा था जो रोटियों के ऊपर, मिसी रोटियों के ऊपर लगाते हैं मसाला, इसमें बेसन प्याज हरी मिर्चें और दूसरे सारे मतलब इंग्रेडिएंट डलते हैं, और मेथी भी मम्मा ने डाली थी जो ड्राई करके रखी हुई थी। तो इस तरह से इनको कर लेना है मिक्स, और बहुत मज़े की लगती है रोटी। इधर मम्मा और भाभी बना रही थी ये वाली रोटी, और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और इधर वो दोनों लगी हुई हैं, और साथ में थी लस्सी। तो आप लोग बताना आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग पसंद आया तो मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना, जो लोग मेरे चैनल पर नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अच्छा मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि शादी के ड्रेसेस की वीडियो बनाओ, अगर आज की वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट आए कि शादी की वीडियो पे शादी के ड्रेसेस पे वीडियो बनाओ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो शादी के ड्रेसेस पे होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हुए कॉमेंट्स आए तो तब तो मतलब कमेंट्स ज़्यादा आने का हाँ कि शादी की वीडियो ड्रेसेस की वीडियो बनाओ, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो वो ही बनाऊँगी, अनाया की ड्रेसेस भी ऐड कर दूँगी। तो बस इसके लिए कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप लोग भी मेरे साथ खाना इन्जॉय करो, जिसने खाना है आ जाओ।